लेक्चर ये एक छोटा सा टॉपिक है जो हमारा रह गया था इन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन एंड दैट वाज ऑल अबाउट हाउ यू कैन यूज योर वॉइस इफेक्टिवली व्हाइल प्रेजेंटिंग टू समवन। और इसमें हम चंद एक पॉइंट्स पढ़ेंगे। ये बेसिक पॉइंट्स हैं, इतने कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, और अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो आपकी जो कह लें कि कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो और इम्प्रूव हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले जो ये पॉइंट्स हैं हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज फर्स्ट नो योर स्पीकिंग वॉइस। सबसे पहले तो ये कि आपको अपनी आवाज़ का पता होना चाहिए कि मेरी आवाज़ कैसी है, भारी है, पतली है, मोटी है, बारीक है, सुरीली है, ठीक है। तो उसके लिए मजे की बात यह है कि हर शख्स जिस तरीके से वो समझता है कि वो बोल रहा है, एक्चुअली वो वैसे नहीं बोल रहा होता। आपके कानों में जो आवाज आपको सुनाई दे रही है वो बॉडी उसकी साउंड को चेंज करके आपको सुनाती है। और अगर आप कभी अपनी रिकॉर्डेड वॉइस सुने तो आप हैरान होंगे, आप कहेंगे यार ये मैं ही बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं चलता कि मेरी आवाज इस तरह की सुनाई देती है। बट एक्चुअली वो आवाज वैसे ही लोगों को सुनाई दे रही होती। तो इसमें उसने कहा है कि सबसे पहला स्टेप जो होता है, अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं या आप चाहते हैं कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं, तो फर्स्ट पॉइंट शुड बी दैट यू मस्ट रिकॉर्ड योर वॉइस। अपनी आवाज को एक बार रिकॉर्ड करें एंड हियर इट, और उसको सुने एज अदर्स डू, जैसे दूसरे सुनेंगे। और इसमें रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, उसने कहा रिकॉर्ड इट इन डिफरेंट सेटिंग्स टू सी हाउ यू यूज योर वॉइस डिफरेंटली। डिफरेंट सेटिंग्स मीन्स के कोई लेक्चर देकर देखें, उसमें आपको पता चलेगा कि आपका लहजा कैसे होता है, आप किस तरीके से बात करते हैं। हमें बोलते वक्त पता नहीं चलता, बाज दफा हम उसमें ब्लंडर्स भी करते हैं, बाज दफा हम कोई तकिया कलाम ऐसा बोलते हैं जो बार बार हमें फील नहीं होता, लेकिन अगर हम रिकॉर्डेड मैसेज सुने तो हमें उससे पता चल जाएगा कि हाँ यार ये हमारी गलती। रिकॉर्ड इट बोथ बिफोर एंड आफ्टर यू प्रैक्टिस सम स्टेप्स टू इम्प्रूव इट। कहता कि एक तो ये कि इसको रिकॉर्ड करें रिहर्सल के तौर पे, मतलब जैसे मैं अगर ये लेक्चर देना चाहता हूँ और मैं सबसे पहले इसको एक रिकॉर्डिंग करूँ, देन आई विल लिसन टू इट, और मैं देखूंगा अच्छा यार इसमें मैंने ये वाली बात करते वक्त लहजा और तरह का रखा, या ये अल्फाज मैंने ठीक तरीके से अदा नहीं किए, तो नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा उसको अदा करूँ और रिकॉर्ड करके देखूँ कि हाँ क्या अब बेहतर है। ये वो बात कर रहा है। इफ अवेलेबल, कहता अगर आपको दस्तयाब हो, गेट सम कोचिंग फ्रॉम समवन विद वॉइस एक्सपीरियंस, किसी की मदद ले लें, खास तौर पे उसकी जिसने पहले इस तरह की कोई इस एक्टिविटी से गुजरा हुआ हो। जरूरी नहीं है आपको वॉइस एक्सपर्ट को मिले, आप अपने दोस्तों की हेल्प ले सकते हैं कि यार ये मुझे बताएं, को गाइड करें कि मैं किस तरह बोलता हूँ या मेरी क्या कमजोरियां हैं, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो वो बच्चे आपके दोस्त जो हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं एक बेटर कम्युनिकेटर बनाने में। तो पहला पॉइंट आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी हैव यू हैव टू ब्रीथ, सांस लेना मत भूले। बी श्योर यू ब्रीथ फुली, हमेशा सांस ले बट कंफर्टेबली, आराम से, नॉर्मल, जिस तरह हम बात कर रहे हैं। आज मैं लेक्चर आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं सांस भी ले रहा हूँ और साथ में मैं लेक्चर भी पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा फील नहीं हो रहा कि सर सांस लेने के लिए रुकते हैं और जना फिर सर जो है शुरू होते हैं। नॉर्मली जिस तरह आप अपनी रियल लाइफ में सांस लेते हैं उस तरीके से सांस लेना जारी रखें। फिल योर लंग्स विद एयर बिफोर स्पीकिंग, आमतौर पर बात करने से पहले कोशिश करें सांस लेने की। यूज द नेचुरल पॉज, और इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप तकरीर के दौरान थोड़ा बहुत रुक के बात स्टार्ट करते हैं। आमतौर पे जब हम प्रेजेंटेशंस वगैरह कर रहे होते हैं तो एक पैनिक फैक्टर रोल प्ले करता है, खासतौर पे ये आप नोट करेंगे कि जब आप डाइस पर आते हैं या प्रेजेंटेशन वगैरह कभी देने आते हैं तो उसमें एक पैनिक फैक्टर होता है और आप जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं। आप एक बार जब बोलना शुरू करते हैं तो आप रुकते ही नहीं है, क्योंकि आपको डर होता है कि अगर मैं रुकूंगा तो शायद सर कहेंगे कि रुक क्यों गए हो, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। यू शुड टेक योर पॉजेस, नेचुरल पॉज लें सांस लेने के लिए, वैसे कहीं आपने पानी पीना है थोड़ा बहुत उसके लिए पॉज लें। इन योर स्पीच सो डैट यू कैन रीफिल योर लंग्स, ताकि आप रेस्ट दे सकें। यूजिंग ब्रीदिंग पॉजेस विल एड वैरायटी टू योर डिलीवरी, ये सांस लेना आपकी स्पीच को ज्यादा बेहतर बनाता है। आप अक्सर देखेंगे कि जितने पॉलिटिशियंस ये तकारीर करते हैं, जो मंजे हुए सियासतदान है वो हमेशा एक बात करने के बाद थोड़ी देर का पास देते हैं, ठीक है। अच्छी स्पीकिंग की जो जो गुड स्पीकिंग स्किल्स हैं उसमें ये उसका हिस्सा है कि आप आफ्टर डिलीवरिंग एवरी सेंटेंस यू विल टेक सम पास, और उसके बाद फिर आप अगली बात स्टार्ट करें। इसके दो तीन फायदे हैं। नंबर वन तो ये कि आपको सांस लेने में आसानी है, नंबर टू ये है कि लोगों को भी वो बात समझने में आसानी हो जाती है।
और अगर किसी को आपकी बात नहीं समझ आई वो उस दौरान उसको दिमाग में कैलकुलेट कर सकता है, समझ सकता है कि ये कहा क्या है। लर्न टू ब्रीथ यूजिंग योर डायफ्राम। अच्छा, सांस लेने के दो तरीके हैं। एक होता है कि आप जोर से सांस भरते हैं जब आप एक्सरे वगैरह करवाने जाएं कभी, तो डॉक्टर कहते हैं कि जनाब आप लंग्स के अंदर पूरा जितना सांस भर सकते हैं भरें, तो आप लंबी सांस खींचते हैं। इस तरह जो आप सांस लेते हैं ये सांस आप चेस्ट से ले रहे होते हैं, और ये सांस वैसे तो ठीक है सांस भरने के लिए सबसे अच्छी है, लेकिन आमतौर पर एक सांस हुआ जो हम नॉर्मल लेते हैं, दिस इज कॉल्ड दी ब्रीदिंग फ्रॉम योर डायफ्राम। उसने नीचे यहाँ पे एक्सप्लेन किया, फ्रॉम योर बेली, पेट से सांस लेते हैं। कि नॉर्मल आप हल्का फुल्का जब सांस लेते हैं वो नॉर्मल में आप इतना ज्यादा फील नहीं होता कि जनाब आपकी जो चेस्ट है वो फूल रही है और सुकड़ रही है और जनाब आप सांस ले रहे हैं नॉर्मल जिस तरह आप काम करते हैं। रिलैक्स रहें, स्पेशली योर शोल्डर्स, खासतौर पर आपके जो शोल्डर हैं, कंधे जो हैं। ब्रीद इन डीपली थ्रू योर नोज, नाक से सांस लें, मुंह से सांस मत लें। एक्सहेल स्लोली थ्रू योर माउथ, और जब आप बात कर रहे होंगे उस वक्त आप आहिस्ता आहिस्ता सांस को छोड़ भी सकते हैं। दिस विल रिड्यूस बॉडीली टेंशन विच विल इनहांस वॉइस प्रोजेक्शन पिच एंड इवन आर्टिकुलेशन। ये सारी, ये सांस लेना जो है ना ये आपकी टेंशन भी दूर करता है। जब कोई बंदा बहुत ज्यादा टेंशन होता है हम कहते हैं सांस लो, गहरे सांस लेना क्यों कहा जाता है, तो उससे टेंशन रिलीज होती है, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगी तो खून में ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी तो दिमाग काम करेगा। ठीक है, तो जितना आप टेंशन में होते हैं कभी पेपर में कोई सवाल नहीं हल हो रहा, टेंशन लिए जा रहे हैं, मुसलसल सोची जा रहे हैं, तो वो उसकी बजाय आप आंखें बंद करके अगर गहरी सांस लें तो माइंड को थोड़ा रिलैक्स करें, माइट भी वो चीज़ आपको याद आ जाए, उसकी कैलकुलेशन आपको समझ आ जाए। तो ये दूसरा पॉइंट इसका हो गया, ब्रीदिंग बहुत अहम चीज। उसके बाद तीसरी बात, स्पीक विद एंथुजियाज्म, आप थोड़ा सा जोश और वलवले के साथ बोलें। ठीक है, मरी हुई आवाज में बात करना या बस इस तरीके से बात करना जैसे अभी सो के उठा है, ये कोई इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। जोश से बात करें, आपकी आवाज में एनर्जी होनी चाहिए कि हाँ यार आज ये हमको इंटरेस्टिंग बात करने जा रहे हैं। तो मोस्ट अप्रिशिएटेड क्वालिटी इन स्पीकर इज वाइटेलिटी एंड एंथुजियाज्म। ठीक है, जोश और वलवला, ये दोनों चीजें बहुत अहम। An audible positive feeling for the topic. अगर आप अच्छे लहजे में बात करेंगे, जोशीले लहजे में बात करेंगे, जोशीले का मतलब लड़ाई वाला लहजा नहीं है, जोशीले का मतलब एनर्जी वाला। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि मैं आपके साथ जोश से बात करूँ। ठीक है, अगर मैं कहूँ आज हम ये टॉपिक पढ़ने लगे हैं तो वो फिर सारे सो जाएंगे। तो कोशिश ये होती है कि नॉर्मल वे में बात करें, और जहाँ पर जोर देने की जरूरत है वहाँ पर जोर भी दिया जाए, बॉडी के एनर्जी को कंज्यूम किया जाए। दी ऑडियंस एंड अदर अपॉर्चुनिटी टू बी स्पीकिंग। वो कहता है ये फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग आती है किसमें, जो लोग आपको सुन रहे होते हैं आपकी बात सुनकर। सम एंथुजियाज्म इज नेचुरल, कुछ तो कहता है नेचुरल होती है, मतलब के बाज़ दफ़ा टॉपिक की डिमांड ऐसी है या टॉपिक ऐसा इंटरेस्टिंग है कि खुद ही से जोश पैदा हो गया या बात पैदा होगी, लेकिन ज्यादातर यू मस्ट कल्टिवेट इट, आपको खुद उसमें पैदा करनी पड़ती है। ठीक है ना, बात को इस तरीके से करना पड़ता है कि लोगों का इंटरेस्ट कायम रहे और वो बोर ना हो। ठीक है, एंथुजियाज्म इज ऑफनली कन्वेड थ्रू वॉइस, और ये आमतौर पे आपके आवाज से ही जो है ना ये एनर्जी कम्युनिकेट होती है। आपके बॉडी एक्शन तो अलग चीज है, आवाज आपकी जो है ये बड़ा मैटर करती है किसी के ऊपर के इफेक्ट डलेगा कि नहीं डलेगा। योर पॉजिटिव एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड इन द प्रोजेक्शन ऑफ योर वॉइस एंड वराइटी इन योर यूज ऑफ इट्स टेक्निक। ये कहता है आपकी जो पॉजिटिव नेचर है ये किससे पता चलती है, कि आप कैसे अपनी आवाज को चेंज करते हैं। उसमें उसने बताया कि कौन सी चीजें हैं, आवाज को कहीं पर रोक लेना, धीमा कर लेना, कहीं पर वॉल्यूम को बढ़ा लेना, कहीं पर रुक जाना, ये सारी बातें इसका हिस्सा है। ठीक है, मुसलसल ऊंची आवाज में चीखना भी ठीक नहीं है और बहुत धीमे मिजाज में बात करना भी ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन एनर्जी होनी चाहिए, बट आफ्टर कम्युनिकेटिंग विद सम पर्सन, अगर आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, यू शुड टेक सम पॉज, आपको कुछ रुकना भी चाहिए। होपफुली ये भी पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट नीचे आ जाए, प्रोजेक्ट योर वॉइस, अपनी आवाज को प्रोजेक्ट करें। क्या कह रहा है इसमें, ये मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ नीचे थोड़ा सा। इंपॉर्टेंट विजुअलाइजेशन इज टू होम यू आर स्पीकिंग। सबसे पहले इस चीज का जहन में ख्याल रखें कि आप बात किससे कर रहे हैं। इन अ लार्जर ऑडियंस, अगर आपके पास बहुत बड़ा मजमा बैठा है
इट इज इम्पोर्टेंट टू विजुअलाइज योर सेल्फ स्पीकिंग टू द पर्सन फार्देस्ट अवे फ्रॉम यू। कहता अगर आप एक बहुत बड़े मजमे से खिताब कर रहे हैं तो कोशिश करें कि ऐसे बयान करें जैसे आप आखिरी जो आखिर में बंदा बैठा है उससे भी बात कर रहे हैं, ठीक है। आपका लहजा, आपका आई कॉन्टेक्ट उन तमाम लोगों से होना चाहिए, आवाज इतनी क्लियर और ऊंची होनी चाहिए कि सबको सुनाई दे। लेकिन यहाँ पर एक बात और जो उसने यहाँ पे लिख दी आगे, वो क्या है, दिस डज नॉट रिक्वायर यू टू सेक्रीफाइस इंटीमेसी। ये नहीं है कि आप सामने बैठे वालों को बिल्कुल इग्नोर कर दें, आप अपने रिलेशंस को बिल्कुल ही भूल जाएं, आप सामने वालों को कहें मैं इनकी तरफ देखता ही नहीं हूँ, सर ने कहा था आखिरी वाले बंदों से जो है वो मैंने प्रेजेंटेशन में देखना उनकी तरफ, ऐसा भी नहीं। यू शुड आप जैसे हम जब क्लास पढ़ते थे आपने देखा होगा मैं आगे भी वॉक करता था, पीछे भी बच्चों से बात करता था, आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ नजर भी घुमानी है, बात करते वक्त उनकी तरफ देखना भी है, ताकि किसी को ये फीलिंग ना आए कि सर मुझे इग्नोर कर रहे, बल्कि हर शख्स को ऐसा लगे कि गोया मुझसे कलाम कर रहे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है आवाज के लहजे को उस तरीके से, एक बंदे से बात करते हुए लहजा धीमा होता है, दो से बात करते हुए थोड़ा ऊंचा होता है, दस से बात करते हुए ज्यादा ऊंचा होता है, 10,000 से बात करते हुए माइट भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता हो, तो उस लिहाज से आपको अपने आपको ट्रेन करना। यू विल लर्न इन टाइम हाउ टू प्रोजेक्ट योर वॉइस एंड स्टिल मेंटेन अ कन्वर्सेशनल एंड इंटीमेट टोन। कहता है ये आपको वक्त के साथ समझ लग जाती है चीजें कि किस तरीके से मैं इतनी ऊंची आवाज में बात करूं कि लोगों को ये चीखना भी शुरू ना कर दूं कि सामने बैठे वाले कहें यार ये तो हमारे कान फाड़ने शुरू कर दिए इसने, ठीक है, और ना ही इतना आहिस्ता बोलूं कि सिर्फ सामने वालों को सुनाई दे, पीछे वाले कहें सर हमें आवाज ही नहीं आ रही। तो एक इंटरमीडिएट आपकी आवाज रुक रुक। अच्छा वो सालिया मेरे ख्याल में इधर ये शायद सिग्नल का इशू है माइट भी, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन की है आप वो देख लीजिएगा अगर कहीं कोई इशू हुआ। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ आहिस्ता बोलने की ताकि सबको सुनाई दे। रिमेंबर टू ब्रीद एंड फिल योर लंग्स। इन सम केसेस व्हेन पीपल हैव डिफिकल्टीज प्रोजेक्टिंग देयर वॉइस दे कैन कंसिडर ऑप्शन फॉर एम्पलीफिकेशन। कहता अगर आप ये ख्याल करते हैं कि आपसे ऊंचा नहीं बोला जा सकता या आप नेचुरली ही धीमे मिजाज वाले बंदे हैं तो फिर बेहतर है आप कोई एम्पलीफिकेशन डिवाइस इस्तेमाल करें, जैसे कि लाउड स्पीकर, जैसे कि माइक या स्पीकर, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए आपकी एबिलिटीज कैसी हैं, आप किस तरीके से बात कर सकते हैं। ये पॉइंट भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नीचे आ जाए जी सर। वेरी द पेस पिच एंड वॉल्यूम ऑफ योर डिलीवरी। अपनी जो आवाज है उसको, उसका लहजा, उसकी जो पिच है और उसका उसकी आवाज की जो कह ले कि ऊंचाई है, बोले कह ले उसको ऊंची आवाज या हल्की आवाज, उसको किस तरह आपने वेरी करना है इसको बड़ा, ये बहुत अहम बात है। जब मैं आपसे ऐसे बात कर रहा होता हूँ या नॉर्मल लाइफ में आप हमसे बात मुझसे बात कर रहे हैं, किसी भी दोस्त से बात कर रहे हैं, तो लहजा जो है वो वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन दी वर्ड्स कि आप कौन से अल्फाज बोल रहे हैं। द स्पीकिंग इन अ मोनोटोन वॉइस टेंड्स टू बोर एनी ऑडियंस इन टू अ नियर स्लीप स्टेट। कहता अगर आप, अब वो अक्सर वो आपको याद होगा कंप्यूटर वॉइस आजकल आती है, वो मोबाइल पे कॉल आती है तो वो जनाब कभी अटेंड कर ले तो कंप्यूटर बोल रहा होता है और वो एक ही टून होती है उसकी, वो सेम लहजे में सारी बात करता है, ठीक है ना, तो वो इंसान दूर हो जाता है उससे। एक नॉर्मल इंसान जब किससे बात करता है, मैं आपको कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम, तो उसके लहजा कुछ और है, वो जब कंप्यूटर कहेगा वो कहेगा अस्सलाम वालेकुम, वो सेम वही लहजा रहेगा, तो वो इंसान बोर हो जाता है। मोनोटोन में बात करना इंतहाई बोरिंग वे है, इससे आप जितना मर्जी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हो वो कोई भी आपको सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। तो आपको ये विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद एक्सपीरियंस आप ये चीजें सीखते हैं कि कैसे मैंने बात करनी है। नॉर्मल लाइफ में माशाल्लाह से आप सारे उर्दू स्पीकिंग हैं और उर्दू में अब आपको कमांड हासिल है, आप आपस में अच्छी बात करते हैं, आपस में लहजे का लिहाज रखते हैं, आपको पता है कब कौन सा लहजा रखना है। लेकिन इन केस ऑफ इंग्लिश अभी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश मूवीज का सहारा ले सकते हैं कि कुछ ऐसी मूवीज देखी जाए जिसमें डायलॉग्स हों और आप देखें कि यार ये कैसे डायलॉग्स अदा करते हैं, हाउ दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, तो उससे आपको पता चलेगा कि इंग्लिश के अंदर लहजे कैसे इस्तेमाल करें। यू हैव द लेवर्स ऑफ
लीवर्स ऑफ कंट्रोल टू अवॉइड दिस डेंजर. आपके पास कुछ कहता है ऐसे कंट्रोल लीवर्स हैं जिनसे आप ये इससे बच सकते हैं. यू कैन ऑल्टरनेट हाउ क्विकली और स्लोली यू स्पीक. बाद जगह पे आप बहुत तेजी से बोलते हैं, ठीक है बेटा, मैं ऐसे कह देता हूँ तो अक्सर क्लास में, ठीक है बेटा, तो मैं तेजी से बोल देता हूँ. अगर मैं इस तरह से बोलूँ ठीक है बेटा, तो घर कोई बोर हो जाएगा. उसके बरक्स बाद जगह पर जहां पर बात समझानी मकसूद हो तो वहां पे किसी एक खास लफ्ज के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है, उसको स्लोली अदा किया जाता है, ऊंची आवाज में बोला जाता है. ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट के आपको चीजें समझ लगते हैं. एंड हाउ लाउडली एंड सॉफ्टली यू स्पीक, कितने ऊंची बोलते हैं कितना हल्का बोलते हैं, ये भी बड़ा मैटर करता है. विद अ लिटिल प्रैक्टिस यू कैन यूज चेंजेस इन पेस पिच एंड वॉल्यूम एज वेज टू डायरेक्ट द ऑडियंस अटेंशन टू पॉइंट दैट यू विश टू एम्फेसाइज. जिस जगह पर एम्फेसाइज करना होता है उसको ऊंची आवाज में बोल देना है, और जिस जगह पर आपने उसकी बुनियाद बनानी है वहां पर हल्की आवाज में बात करनी है, तो पता चलता है हाँ यार इसकी तकरीर में ये बातें इसने बड़ी काम की. सारी तकरीर ही चीख चिल्ला के कर दी तो किसी को कुछ समझ ही नहीं लगेगी. कुछ चीजें आहिस्ता बोली, कुछ चीजें बहुत ऊंची आवाज में बोली, तो कुछ चीजें बड़ी रुक रुक के बोली, कुछ बहुत तेजी से बोल दी, ठीक है ना. तो ये सारी चीजें इसमें आती. आखिरी बात ये यहाँ पे क्लियर हो गया. नेक्स्ट नीचे वाला पॉइंट अब करते हैं. आर्टिकुलेट योर वर्ड्स. आर्टिकुलेट योर वर्ड्स में क्या है, ऑफन दिस रिक्वायर नथिंग मोर देन रिमेम्बरिंग दैट वी आर स्पीकिंग टू एन ऑडियंस एंड नॉट टू अवर सेल्फ्स. अपने अल्फाज का चुनाव कैसे करना है ये उसकी बात यहाँ पे कर रहा है. कि इसमें एक चीज बस हमेशा याद रखिएगा कि आप लोगों से जब बात करते हैं तो वो डिफरेंट है जब अपने आप से कोई बात कर रहे हो. वी टेंड टू मंबल बिकॉज वी आर थिंकिंग आउट लाउड वाइल बींग इंट्रोस्पेक्टिव. बाद दफा कहता हम ना मुंह में बड़बड़ाने लग जाते हैं या कुछ बातें अपने जहन में कयास कर लेते हैं. कई लोगों को पता ही होगी हम उनको ऊंची बातें बताते नहीं, या बाद दफा इतनी धीमे मिजाज में बोले कि वो किसी को सुनाई नहीं दी. तो ये चीजें हैं. एज वी आर वेइंग अवर थॉट्स, जब कहता हम अपने ख्यालात को परखते हैं, उनको दिमाग में तो 100 बातें आ रही होती हैं इंसान के, कैलकुलेशंस चल रही हैं, चीजों को समझ रहा है, लेकिन लोगों को बताने के लिए पूरी बात बतानी पड़ेगी. अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने आप से बात कर रहे होते हैं. वी टेंड टू मंबल टू अवर सेल्फ्स, हम अपने आप से मुंह में बात कर रहे होते हैं, दिमाग में सोच रहे होते हैं नहीं यार ऐसे नहीं करना, नहीं यार वो ऐसे करेगा. अब वो किसी को कहे, वो पास से गुजरा होगा, ये सर क्या कह रहे हैं, नहीं यार नहीं यार, वो एक्चुअली अपने दिमाग में कोई बात चल रही है, वो अपने आप से बात कर रहा है माइंड में, ठीक है ना. तो रिमेंबर दैट द वर्ड्स यू आर चूजिंग आर फॉर एन ऑडियंस आउट देयर, नॉट द वन इन योर ओन हेड. अपने आप को तो आप चाहे कोसते भी रहे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप किसी शख्स से बात कर रहे हैं तो अल्फाज का चुनाव बहुत अहम करें, पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करें, नेगेटिव वर्ड्स से दूर रहें, और क्लियर वर्ड्स का इस्तेमाल करें, लोगों को बात समझ आ जाए, ठीक हो गया. नेक्स्ट आखिरी है इसमें ये पॉइंट के यूज द कंपेलिंग पावर ऑफ द पॉज. बीच में जो वक्फा देना है ये बहुत अहम चीज है. आप अक्सर देखते हैं वो बात करते करते कहीं पर जब काम की बात आने लगती है उससे पहले वक्फा दे देते हैं कि सबसे अहम चीज है, उसके बाद फिर वो वक्फा आ गया तो लोग सोचने लगे क्या चीज है. उसके बाद जब वो बोलेगा डेफिनेटली एवरीवन हैज अटेंशन कि ये क्या चीज बोलने लगा है, जरा सुन ले गौर से. तो इस तरह की चीजें अक्सर इस्तेमाल होती हैं नॉर्मल लाइफ में. वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स इन ऑल फॉर्म्स ऑफ स्पीकिंग इज क्या है जी, वेल टाइम पास, सही वक्त पर पास देना. इन म्यूजिक जब आप कोई म्यूजिक सुन रहे होते हैं, इट इज द इंटरवल बिटवीन द नोट्स. वो अच्छा म्यूजिक तभी लग रहा होता है जब नोट्स बड़े एक मुसलसल एक तरीके से कायदे के तहत बज रहे हो, एक मुसलसल एक कह लें कि इंटरवल के बाद आ रहे हो. इन आर्ट इट इज द एब्सेंस ऑफ कलर. इसी तरह खूबसूरत कोई अच्छी पेंटिंग तभी खूबसूरत लगती है अगर कलर जो है बड़े तरीके से बड़ी पैटर्न से भरे हुए हो. एंड फॉर्म टू ड्रा अटेंशन टू अ की एलिमेंट. पॉजिंग टेक्स अ लिटिल प्रैक्टिस. इसके ऊपर कहता काम करने की जरूरत है. ये गॉड गिफ्टेड एबिलिटी नहीं है कि आपको ऐसे ही पैदा होते ही आ गई है और आपने पास देने शुरू कर दिए, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इसको सीखते हैं, जमाने से सीखते हैं, जुबान से सीखते हैं कि किस तरीके से इसमें कल्चर चलता है और किस तरीके से चीजों को बेहतर तरीके से अदा किया जा सकता है. बिकॉज वी आर प्रोन टू वॉन्ट टू फिल इन ऑल दी स्पेसिस विद वर्ड्स. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. ये बड़ी अच्छी उसने यहाँ पे बात लिखी है और ये वाकई में मैं इससे 100% एग्री करता हूँ कि जब एक शख्स नया नया स्पीकर बनता है तो वो हमेशा जब उसको मौका मिलता है वो कोशिश करता है कि मैं सारी जो जगह है इसको स्पेस को वर्ड से भर दूँ, मैं हर वो बात कह दूँ जो मेरे दिमाग में है,
कोई बात खाली ना जाए, कोई रायगा ना जाए। उसकी वजह से क्या होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग उसको सुनना छोड़ देते हैं, लोग बोरिंग हो जाते हैं। बट वी मास्टर्ड इट इज वेरी पावरफुल। लेकिन कहता है ये जो है ना, ये इसको पास को अगर आप मास्टर कर लें, इसको इसके ऊपर कमाल हासिल कर लें, तो ये बहुत पावरफुल चीज है पास देना। पासेस कैन बी यूज्ड टू मैक्सिमाइज एडवांटेज जस्ट बिफोर बिगिनिंग टू स्पीक। अब यहाँ पर देखें, मैं भी पास दे रहा हूँ आपके लिए। क्यों दे रहा हूँ? कि जिस तरीके से अल्फाज को आप तोड़कर पढ़ेंगे, आपको समझ जाएगा कि उसी तरीके से पास दे रहा हूँ। कि पासेस कैन बी यूज्ड टू मैक्सिमाइज एडवांटेज, ये एडवांटेज बढ़ाने के लिए काम होते हैं। किस लिए? जस्ट बिफोर बिगिनिंग टू स्पीक। एक तो ये कि बोलने से पहले पास देना जरूरी है। ड्यूरिंग अ स्टोरी, एक कहानी सुनाते वक्त बीच में पास देना। टू लेट इंफॉर्मेशन सिंक इन, अब यहाँ पे बड़ी अहम बात, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि बाद दफा आपने कोई बात बताई है, अब आप कहते हैं यार मैं इसके बाद थोड़ा रुकता हूँ, लोग इस बात को डाइजेस्ट कर लें, इसको समझ लें मैंने कहा क्या है। समझ गए? अगर तो मैं मुसलसल बोलता चला जाऊं तो आपका दिमाग हमेशा इसी चीज के अंदर रहेगा कि यार सर अगली बात क्या करने लगे, और आप उसको कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, बस सुनते जाएंगे कानों से और निकालते जाएंगे। लेकिन अगर बीच में पास आएंगे तो दिमाग थोड़ी देर रुकेगा और वो कहेगा हाँ ये लास्ट बात क्या हुई थी, सर ने क्या कहा था। तो उसमें फिर वो लेट द इंफॉर्मेशन सिंक इन, इसमें डाइजेशन का मौका मिल जाता है और आप प्रॉपरली चीजों को डाइजेस्ट करते हैं, समझते हैं। टू क्रिएट सस्पेंस, बाद दफा सस्पेंस पैदा करने के लिए भी पैदा करते हैं। जैसे मैंने भी एग्जांपल दी थी कि वो कहते हैं कि वो जब हमने उस चीज को देखा तो वो थी, आगे ब्रैकेट है, अब थोड़ी देर पास दिया, अब सारे देखने लग गए क्या चीज थी, वो आगे फिर बताएगा क्या चीज थी। बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग अ की पॉइंट, कोई एक बहुत अहम नसीहत करना चाहते हैं तो उससे पहले या उसके बाद पास देना जरूरी है। जैसे वो कहते हैं मैं आपको एक काम की बात बताता हूँ, उसके बाद थोड़ी देर रुक जाता है। क्यों? ताकि सारे लोग अब सुनने लग जाए कि वो काम की बात कौन सी है। उसके बाद जब वो काम की बात बताएगा उसके बाद भी थोड़ा रुकेगा। जब काम की बात बताने के बाद वाला जो पाज है उसका मकसद ये है कि ये इसको अच्छी तरह डाइजेस्ट कर ले, इसको समझ ले, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो वो इसमें मुझसे पूछ ले। व्हेन द ऑडियंस लाफ्स एट अ जोक, बाज दफा कुछ जोक सुनाते हैं उसके बाद पाज देना जरूरी है ताकि मेरा ऑडियंस हंस ले थोड़ा सा, उसको समझ आएगी तो हंसेगी। आप मुसलसल बोलते चले जा रहे हैं तो बेचारे कहेंगे पता नहीं अभी जोक खत्म ही नहीं हुआ। जो खत्म होने की निशानी ये है कि पास दिया जाएगा। When asking or responding to a question, बाज दफा एक शख्स कोई सवाल आपसे करता है, उसका सवाल सुनते वक्त आप थोड़ा पास लेते हैं ताकि मैं कैलकुलेट कर लूँ क्या कह रहा है, फिर उसका जवाब देते वक्त थोड़ा सा पास लेते हैं, जवाब देने के बाद थोड़ा सा पास लेते हैं। अक्सर मैं क्लास में कहता हूँ ना कि ठीक है तो उसका मतलब क्या है कि यार ये इसमें आपको अगर समय लगी है तो मुझे फीडबैक दे दें कि हाँ जी समय लग गई। और जस्ट बिफोर एंड और आफ्टर क्लोजिंग, या फिर कहता कोई भी चीज के शुरू या आखिर में वैसे ही पास दिया जाता है उसको इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए। पाजेस कैन क्रिएट प्लीजिंग रिदम इन द प्रेजेंटेशन, ये जो पाजेस हैं ये प्रेजेंटेशन को बोर होने से बचाते हैं और आपके दिमाग को थकने से बचाते हैं। व्हेन डिलीवरिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट, यू कैन मार्क द टेक्स्ट विद सिंबल्स, कहता अगर आप कोई टेक्स्ट किसी कॉपी से पढ़ रहे हैं ना तो उसमें आप उसके अंदर सिंबल लगा सकते हैं कि मैंने इतने हिस्से को पढ़ के पास लेना है, इतने हिस्से को पढ़ के पास लेना है, कॉमे लगा सकते हैं उससे बेहतर एग्जांपल है। टू शो वेयर पाजेस आर मोस्ट इफेक्टिव, ताकि लोगों को पता चल जाए कहाँ पर पास, या मुझे पता चल जाए कि मैंने कहाँ पर पास देना है। समझ गए ना? यहाँ पर ये जो मैंने भी आपके सामने वर्ड्स लिखे हैं इसमें मुख्तलिफ जगहों पर आप देखें तो ब्रैकेट्स ये कॉमे लगे हुए हैं, ये कॉमे एक्चुअली हर बात को दूसरे से अलग कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये अगर आप पास देकर पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी कि ये बात क्या होगी। तो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था, इसके बारे में कोई सवाल है कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। ये जनरल बातें थी, हम पहले वैसे डिटेल में कर चुके हैं लेकिन ये है कि प्रेजेंटेशन देते वक्त इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और अब इसको अगर मैं सारे को समराइज करूँ तो इसमें क्या बात असल हुई है, इसमें बात सिर्फ ये हुई है कि जनाब अपनी आवाज के अंदर जो खामियां हैं उसको पहचाने, कोई तकिया कलाम बोलते हैं या कोई अल्फाज का प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है उसको ठीक करें। नंबर टू, सांस लेना मत भूलें, पास दें, ठीक है, एनर्जी कायम रखें अपनी आवाज़ के अंदर। और आखिरी बात ये कि लोगों को ये फील ना होने दें कि वो इग्नोर हो रहे हैं बल्कि उनके साथ मुसलसल रबते में रहें। तो ये इसमें चंद देख पाते हैं और ये होपफुली आपको सारी पता चल गई। कोई सवाल पूछ लें जी एमआर जिसे तला बात करूं जी।